दीजिए। तो हमने यहाँ पर पारजीनी मान करके उत्तर लिखा है, क्योंकि पारजीनी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पारजीनी जंतु क्या है, इनका एक उदाहरण दीजिए। जबकि अगर परजीवी जीव आते हैं तो इनका तो बहुत कॉमन है, और परजीवी का उत्तर आप स्वयं भी लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ लिखा है पारजीवी, तो ऐसे में हमने इसे पारजीनी मान करके उत्तर लिखा है। तो पारजीनी इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पारजीनी जंतु। तो चलिए पारजीनी जंतुओं के बारे में जान लें। पारजीनी जंतु, तो ऐसे जंतु जिन्हें उनके अनुवांशिक संगठन में अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा हेर फेर करके विकसित किया जाता है, अर्थात वह जंतु जो विजातीय यानी बाह्य जीन युक्त होते हैं, पारजीनी या ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। अब बात समझ में आ गई कि जिनके अंदर हम बाहर से भी जीन इंटर करते हैं, जो कि हमारे ऐच्छिक जीन होते हैं, जिनसे उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है यानी वो नस्लें अच्छी हो जाती हैं, ऐसे जंतुओं को हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। जंतुओं में जीन स्थानांतरण का प्रमुख उद्देश्य होता है कि अनुवांशिक रोगों का उपचार हो जाए, जंतुओं द्वारा दुग्ध मांस ऊन आदि के उत्पादन में सुधार हो जाए, और जीन चिकित्सा के उपयोग के लिए किया जाता है। अब एक उदाहरण पूछ रखा था, चूंकि कई उदाहरण हैं लेकिन आप एक उदाहरण डालेंगे कि जीन परजीनी जंतु का एक प्रमुख उदाहरण है परजीनी चूहे। तो टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीकों की सुरक्षा की जाँच के लिए पारजीनी चूहों का विकास किया गया, जैसे पोलियो की टीके की सुरक्षा जाँच के लिए पारजीनी चूहों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि कोई टीका मानव पर कैसा रिएक्ट करेगा, तो उससे पहले पारजीनी चूहों पर इसको उस टीके को लगा करके प्रयोग करके देख लिया।